सुपर एक्साइटेड यार, आई थिंक थोड़ी सी मुझे नर्वसनेस जो अच्छी वाली होती है, मे बी आज उसने अच्छा बोला कि पेपर दे दिया, अभी रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, आज 10 बजे रिजल्ट आउट है तो सब देख के बताएंगे कि कैसा है। बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शो द प्रीवियस सीजन एंड आई एम सुपर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस सीजन। एंड मैंने अपनी जिंदगी में एज एन एक्टर ऐसा किरदार निभाया नहीं, मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ एवरी सीन एवरी शॉट ऑफ माइ, मुझे अच्छा फीडबैक मिल रहा है, जस्ट वेटिंग फॉर द ऑडियंस टू सी इट एंड गिव मी द काइंड ऑफ लव दैट आई एम गिविंग यू। I'm really happy that Dheeraj is there with me and हमारी जोड़ी पहली बार आ रही है टीवी पे, सो आई जस्ट होप कि लोगों को पसंद आए। सिया का किरदार मेरे लिए भी बहुत बहुत अलग होने वाला है, ऑडियंस को बहुत अलग अमनदीप दिखने वाली है, सो एंड ऑफकोर्स स्टोरी भी बहुत अलग होने वाली है पहले वाले सीजन से, तो आई थिंक ऑडियंस के लिए इट्स लाइक अ फुल यू नो मील एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर। अगर सीजन वन की बात करें तो इट वॉज एंडेड यू नो विराज बिहाइंड द बार था और साई के थॉट्स में मेमोरी में साई के था, क्या ये सोच सकते हैं कि इस बार जो आएगा जो सीजन है ये बार का वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है, इस बार वुमेन अपना पावर बताएगी? Cannot reveal it right now, but if you see this season will be a very new age season. The storyline I'm talking about, the characters I'm talking about. जब पहला season आया था तब शायद social media इतना active नहीं था, शायद था ही नहीं था, लेकिन अब digital world, social media world, so I think उनकी storyline भी उसी हिसाब से बनी। ये जाना चाहूँगी खेल वही कहानी नहीं लेकिन इस जो सिंहासन पर होगी किसी खलनायक की जो ना जगह, तो ये कह सकते हैं क्योंकि आपके लिए यू नो प्यार आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब प्यार का मतलब कंट्रोल है, सो दैट मीन विराज के ऊपर आप भारी पड़ने वाले हो इस सीजन में? मैं अभी तक विराज के ऊपर भारी पड़ने वाला हूँ नहीं पड़ने वाला हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन माई कैरेक्टर द बेस्ट क्वालिटी अबाउट हिम इज दैट ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, उसे खुद नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेगा, उसे खुद नहीं पता कि वो अगले पल में क्या करेगा, किसके साथ क्या साथ, ही जस्ट बिलीव, उसका अपना एक साम्राज्य है, वो बिलीव करता है कि ही इज अ किंग एंड जो उसके आसपास के लोग हैं अगर वो परफेक्ट है तो आसपास भी परफेक्शन होना चाहिए। तो अमनदीप आपसे जानना चाहेंगे स्माइल के पीछे ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी तरफ से होने वाला है इस सीजन में? मेरी स्माइल के पीछे और इनकी स्माइल के पीछे लेकिन आप पोस्टर में देख सकते हैं मैं बिल्कुल स्माइल नहीं कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ। यस, लेकिन सिया बहुत लविंग है, सो ऑफकोर्स जैसा भी यू नो राघव मुझे प्यार कर रहा है मैं उसकी हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढूंगी कि कुछ भी हो एटलीस्ट मुझसे प्यार तो करता है ना, तो आई थिंक सो आजकल के जो लेडीज़ हैं, आजकल के नहीं एक्चुअली इंडिया में जितनी भी लेडीज़ हैं वो इस कैरेक्टर से बहुत रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज यू नो समटाइम्स वुमेन सेक्रीफाइस एवरीथिंग जस्ट बिकॉज दे बिलीव दैट हस्बैंड इज़ लविंग हर, सो यू नो वो हर चीज़ भूलने लगती है कि चल छट टाइम, बट इन दिस शो दिल यू नो रिकलेक्ट ऑल द थिंग्स दैट दिस इज़ नॉट हैपनिंग दिस इज़ रॉन्ग, आई थिंक सो दैट्स द पॉइंट। सीजन वन की बात करें तो बहुत यू नो ऑब्सेसिव विराज था, अब्यूसिव था, तो इस सीजन में क्या कुछ नया और सोचने वाले हैं थोड़ा बहुत सब कुछ मैंने अभी आपको वेरी न्यू एज स्टोरी न्यू एज कैरेक्टर, यू नो आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आज डिजिटल इतना एक्टिव है, तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू इम्प्रोवाइज दिस। धीरज आपको करंट के किरदार में काफ़ी प्यार दिया गया लेकिन जब ये फैंस को आपको पता चला कि आप ही किरदार निभाने वाले सब हैं तो कैसा रिएक्शन था? ये फैंस ने मैंने देखा नहीं है सेंट्रल, बट ये था कि यस दे अंडरस्टूड आई वांटेड टू बी इन दिस काइंड ऑफ स्पेस एज एन एक्टर, मुझे काइंड ऑफ मैनिफेस्टेड डिजाइन करें, मैं हमेशा करना चाहता था ग्रेशियर कैरेक्टर को बहुत सही मौके पर, और इससे बड़ा ग्रेशियर कैरेक्टर हो गया मैं, सो आई एम सुपर हैप्पी टू बी प्लेइंग दिस एक्टर। आपके किरदार के बारे में बताइए, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा ग्रे होगा थोड़ा बहुत हाईलाइट पिंक होगा
पिंक होगा मेरे जैसा. नहीं, हमारे शो में कोई नेगेटिव है ही नहीं एक्चुअली. नॉट इवन ग्रे, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि नेगेटिव या ग्रे. उनका प्यार करने का तरीका अलग है, मेरा प्यार करने का तरीका अलग है. उनके अकॉर्डिंग ही इज राइट, मेरे अकॉर्डिंग आई एम राइट. सो देयर इज नो नेगेटिव पर्सन इन आवर शो. सीजन टू की जब बारी आई थी, यू नो, लोगों ने जो प्रोमो देखा, वो झलक देखी, टीजर देखा, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे. कितना प्रेशर आप लोगों पे है वो बेंच मार्क सेट रखना. देयर इज नो प्रेशर आई फील एज एन एक्टर. मैं अपना काम बखूबी से निभाता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं हम सब. आई मीन द होल टीम इज वर्किंग फॉर द शो. इट्स जस्ट कि देयर इज नो प्रेशर, इट्स जस्ट अ चैलेंज टू मेक गुड कॉन्टेंट. यू नो, एक अच्छा कॉन्टेंट जो ऑडियंस एक्सेप्ट करें. तो क्या थैंक यू गाइस. ये खाना खा के जाइएगा. थैंक यू.